नमस्कार दोस्तों, आज के एक नए वीडियो में मैं महेश रसाल आपका दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये जो हमारा पार्किंग एरिया है, ये पार्किंग एरिया में हमारे स्टूडेंट है उनको बाइक की ट्रेनिंग देते हैं, यानी कि लाइव जो हमारे कस्टमर है, कस्टमर से गाड़ी यहाँ पे मंगाते, उनका जो भी प्रॉब्लम होता है यहाँ पे हम सुधारते हैं गाड़ी को। तो आपने देखा है कि परसों में गाड़ी हमने पिछले वीडियो में देखा है आपने कि ये गाड़ी हमने इंजन खोला था, यह भी इंजन पूरा फिट करवा चुके हैं हम। इसी तरह यहाँ पे ये बी6 शाइन मॉडल है, इसका कैमशाफ्ट रॉकर का काम चल रहा है यहाँ पे, ये हमारे स्टूडेंट काम कर रहे हैं यहाँ पे। इसी तरह ये बुलेट 350 सीसी का है, तो इसमें हमने हेड का और ब्लॉक का अपने पिछले वीडियो में देखा है, इसका हेड और ब्लॉक खोला था और एक मैग्नेट कवर के आपके पूरे पार्ट यहाँ पे खोला था हमने। तो अभी ये पूरा इसकी सीटिंग, वॉल की सीटिंग क्या होती है, किस तरह करवाना चाहिए, तो जो हम कैमशाफ्ट बोलते हैं उसके टाइमिंग व्हील आते हैं, तो टाइमिंग व्हील किस तरह एडजस्ट करवाना है वो सिखाया। इसका ये गाड़ी का वॉल का गाइड खराब था, तो यहाँ पे हमने वॉल बदली करवाया और वॉल के जो गाइड आता है वो गाइड भी हमने चेंज करवाए। तो उससे पहला गाड़ी में परफॉर्मेंस क्या था वो हमारे स्टूडेंट ने देखा है, अभी असल में क्या हुआ है, परफॉर्मेंस में क्या सुधार हुआ है वो भी स्टूडेंट को हमने दिखाया। दोस्तों, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में भी देखा था, ये RX 135 फाइव स्पीड है, इसका भी इंजन आपने खोला था वो आपने देखा है। ये हमने ये गाड़ी का भी इंजन खोल के पूरा काम जो भी है गाड़ी का काम करवाया है। तो ये दोस्तों हम लोग, ये कस्टमर का गाड़ी है, ये गाड़ी चलाने वाले है, ये हमारे स्टूडेंट है, उन्होंने जोड़ा हुआ गाड़ी है। वैसा ही अभी बुलेट है पीछे, वो भी आपने पिछले वीडियो में देखा है खुला हुआ, अभी यहाँ पे पूरा फिट किया है हमारे स्टूडेंट ने किया है, हम काम ही नहीं करते, जो भी काम करते हमारे स्टूडेंट ही करते हैं। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि जो हमारे सिखाने की थीरी है ये बहुत अलग है, उसी तरह जो हम सिखाते हैं उसी तरह ये हमारे स्टूडेंट काम करते हैं, तो रिज़ल्ट आपके सामने ही है। बहुत अच्छी तरीके से हमारे स्टूडेंट काम यहाँ पे कर रहे हैं, उनका जो हम देखते हैं दोस्तों, दो महीने के जो हमारे स्टूडेंट है ये दो महीनों में बुलेट बांधना सीख गए। ये बुलेट का काम हमारे स्टूडेंट है, ये गणेश है और ये लोमेश है, इनको आके आपको आके कितने दिन यहाँ पे हुए? अभी 3 महीने हो गए दोस्तों, इनको आके यहाँ पे 3 महीने हो गए, और आपने ये बुलेट का हेड ब्लॉक ये फिट करवाया? हाँ। आपने किया कि हमने किया? हमने किया। आपने किया, तो खोला भी आपने, जोड़ा भी, और क्या क्या प्रॉब्लम था इसका, क्या क्या हमने कहा आपने काम करवाया? इसका कंप्रेसर लीक था, फायरिंग में जरा कम आती थी फायरिंग, उसका वॉल गाइड ये सब चेंज किया, अब फायरिंग ओके हो गई उसकी, अभी अच्छा चल रहा है। गाड़ी में पिकअप भी कम था? हाँ, पिकअप भी कम था। तो दोस्तों, ये गणेश और ये लोमेश है, इन्होंने गाड़ी इनके हाथ में दिया था खोलने के लिए और जोड़ने के लिए। असल में हमने बुलेट का काम ही नहीं सिखाया इनको, आपको सिखाया बुलेट का काम? नहीं नहीं। आपने पहले किया था? नहीं, कभी नहीं। तो दोस्तों, हमने दिखाया भी नहीं, लेकिन खोलने के लिए बोला, खोला भी, केवल हमने टाइमिंग की जो सेटिंग होती है टाइमिंग व्हील के, वो खाली अभी आपको दिखाया और सिखाया, असल में आपको बुलेट के पास जाना है। तो दोस्तों, इनको ना सिखाया तभी आज ये काम कर रहे, तो आपको लगता है फ्यूचर में आपको कोई अड़चन आएगा? नहीं। अभी 3रा महीना हमारा चालू हुआ है, चालू हो के एक पाँच छः दिन चालू हो गए, हाँ, तो 2 महीनों में आपको लग रहा है ये पूरा काम आपको आएगा? हाँ। बुलेट का, हाँ, बहुत आसान है, सबसे आसान इंजन तो बुलेट का है, हम तो पहले से कहते हैं सबसे आसान वायरिंग और इंजन बुलेट का ही है, ना उसको ज़्यादा सेटिंग है ना कुछ है, खाली फिटिंग करना है, लगा तो अच्छी तरीके से समझो और जानो। तो दोस्तों, ये होती है हमारी ट्रेनिंग। इसी तरह यहाँ पे हमने कल कितना इंजन किया? कल 2 इंजन किया, RX 100 का, एक 5 गियर वाला, 5 गियर वाला एक, और एक 4 गियर वाला एक। कल हमने 4 स्पीड वाला और एक 5 स्पीड वाला RX 135 का इंजन किया। आपको हमारा वर्कशॉप भी है, गैरेज है, गैरेज पे भी आपको अच्छे तरीके से जितना भी गाड़ी आते है उसके ऊपर काम करने को मिलता है। तो दोस्तों, जो हमारा वर्कशॉप है यहाँ से थोड़े से नज़दीक जो हमारा इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट के नज़दीकी बगल में हमारा 2 व्हीलर का गैरेज है, गैरेज पे भी शनिचर और रविवार के दिन
यानी सैटरडे और संडे के दिन हम स्टूडेंट को वापस भेजते, वापस सर्विसिंग आप करवाते, तो वापस सर्विसिंग आप करते तो आपको अच्छा लगता है, थोड़ा सा फीडबैक भी दीजिए लोगों को। कभी बेसिक्स का काम नहीं किया, टोटल बॉडी खोलने गए तो डर लगता है कुछ होता है नहीं होता है। अब उधर जाके सब सीखने को मिला, नई नई गाड़ी स्पोर्ट बाइक कभी खुली नहीं थी, स्पोर्ट बाइक का सब आने लगा उधर। क्योंकि दोस्तों ये जो हमारे ये स्टूडेंट है, ये लोमेश और गणेश, ये ग्रामीण क्षेत्र से आते, तो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर गाड़ी होती नहीं है, तो यहाँ पे आने के बाद हम तो कहते खोलो बिंदास, था बिंदास खोलने का और जोड़ने का डरने का। दोस्तों यहाँ पे हमारे थर्ड बैच के स्टूडेंट है, उनको हमने एनएस का वायरिंग सिखाया है, तो हम जरा उनसे पूछते हैं एनएस के वायरिंग के बारे में और आपको भी दिखाते हैं हम वायरिंग किस तरह सिखाते हैं। तो सुनो, अभी हमें लाइट के बारे में ये करंट किस तरह जनरेट होगा, एसी करंट से डीसी करंट किस तरह कन्वर्ट होता है, सीढ़े में किस तरह जाता है, लाइट के लिए हमारा लाइट कंट्रोलर है वो किस तरह चलता है, तो थोड़ा हमारे व्यूअर्स को भी बता दो और आपका भी हम रिवीजन लेंगे। तो ये हमारा क्या है, मैग्नेट कॉइल, कॉइल प्लेट असेंबली, ऐसे कॉइल में से ये जो वायर दो दिख रहा है, हाँ, और यहाँ पे दो वायर दिख रहा है, ये हमारा पिकअप कॉइल है और ये एसी करंट इसमें आ रहा है, और ये जो वायर होगा ये सीधा किधर जाएगा हमारा, आरआर यूनिट में, यहाँ से एसी करंट इसमें आता है, इसमें आएगा, और ये जो लाल वायर है ये लाल वायर में कौन सा करंट आएगा, ये डीसी करंट, ये बैटरी के लिए और इग्निशन स्विच के लिए चला जाएगा। अभी इसमें डीसी करंट आ गया, ये डीसी करंट किधर जाएगा हमारा, बैटरी के लिए और इग्निशन स्विच के लिए और मीटर के लिए, अगर हमारा डिजिटल मीटर है तो मीटर के लिए, और किधर जा रहा है, ये जा रहा है कूलेंट के लिए, ये कूलेंट रिले नहीं, हाँ ये जा रहा है हमारा फैन के लिए, रेडिएटर है, रेडिएटर का, रेडिएटर में हमारा कूलेंट है, कूलेंट गर्म आता है तो उसको ठंडा करने के लिए यहाँ पे फैन है, रिले, हाँ तो फैन अगर चालू करवाते कूलेंट ठंडा होगा, लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा गाड़ी गर्म है ठंडा है, तो ये डिसाइड करेगा हमारा सीढ़ा यूनिट, हाँ लेकिन सीढ़ा यूनिट को निर्देशक कौन देगा, कोई तो भी देगा, तो हमारा यहाँ पे कूलेंट सेंसर है, वो कूलेंट सेंसर गर्म होती है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से शुरुआत करेंगे, 12 वोल्ट बैटरी तक आ गया, बैटरी से ओके किधर जा रहे, इग्निशन स्विच के लिए, इग्निशन स्विच में जाते ही 12 वोल्ट किस में जाएगा, ब्राउन पे ब्लू वायर है, ये वायर किधर जाएगा हमारा, किल स्विच में, और एक वायर जाएगा हमारा फ्यूज के लिए, यहाँ पे हमारा फ्यूज है, ये एक्स्ट्रा फ्यूज क्यों दिए जाते, एक बैटरी के पास भी और एक यहाँ पे भी, तो यहाँ से जो वायर होगा ये यहाँ पे 12 वोल्ट आ गया, यहाँ से जो दूसरा 12 वोल्ट बाहर निकल रहा है फ्यूज से होके, ये हमारे सब कंपोनेंट में जाएगा, यानी समझो अगर इंडिकेटर हमारा ब्रेक होता है तो हमारे फ्यूज पे लोड आएगा, ये फ्यूज उड़ेगा।